हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पी के स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदौली केले को CI टैग मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदौली केला को भौगोलिक संकेत दृष्टि से भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत GI टैग मिला है। बिसोलिम आधारित आल गोवा के तहत खाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने 2019 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे के GI टैग के लिए आवेदन किया था। मंदोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्राहिमपुर पेरनेम ने मोहिरा केले के GI टैग के लिए आवेदन किया था। वहीं हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन ने हरमल मिर्च के GI टैग के लिए आवेदन किया था। बाद में GI पंजीकरण को भौगोलिक संकेतक 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ। चलिए आपको गोवा के बारे में बात करें गोवा की, तो गोवा का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री प्रमोद सावंत, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की, तो सत्यपाल मलिक, फर्स्ट CM दयानंद बंदोदकर, फर्स्ट गवर्नर गोपाल सिंह। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 2। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर 1961 को मनाया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट, जो कि गोवा दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव महाराष्ट्र के न्यायिक क्षेत्र में आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। बात करें स्टेट ट्री की, तो मट्टी, दूधसागर फॉल जो कि गोवा में है, एनिमल है गौर, स्टेट बर्ड येल्लो थ्रोटेड बुलबुल, मेन डैम से मांडोकुम्बी, रिवर है मांडवी, डैम है सलावलिम। बात करें भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क, जो कि गोवा में है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में गोवा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमृत योजना। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। उड़ीसा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जल आपूर्ति प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। उड़ीसा के बाद चंडीगढ़ 75% के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि तेलंगाना 74.04 नंबर प्राप्त कर तीसरे स्थान पर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल PK स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पिछले साल नेपाल में हुए साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीतने वाले पाकिस्तान के 3 एथलीटों पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 साल के लिए। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों के डोप टेस्ट में फेल होने के बाद उनके पिछले साल के साउथ एशियन गेम्स के मेडल वापस ले लिए गए हैं। इसके साथ ही तीनों एथलीटों पर 4 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। इनमें से 2 एथलीट ऐसे हैं जिन्होंने पिछले साल के गेम्स में गोल्ड और 1 ने ब्रॉन्ज जीता था। इन खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन 3 दिसंबर 2019 से लागू हो गया, जो 2 दिसंबर 2023 तक रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली Arrow 2 का सफल परीक्षण किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसराइल। इसराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली Arrow 2 का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का विकास लेबनान और गाजा से दागे जाने वाले मध्यम दूरी के रॉकेटों के खिलाफ किया गया है। साल 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका और इसराइल ने संयुक्त रूप से अलास्का में सफलतापूर्वक Arrow 3 का परीक्षण किया। इस प्रणाली को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा विकसित किया गया था। चलिए अब आपको इसराइल के बारे में बात करें इसराइल की, तो कैपिटल जेरूसलम, प्रेसिडेंट रेवन रेवलुल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतानू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें करेंसी की, तो इसराइली न्यू साइकिल, इंडिपेंडेंस डे 14 मई, हाइस्ट माउंटेन माउंट हरमन। बात करें
नेशनल गेम की तो फुटबॉल, एनिमल है गजल्ले, बर्ड है उपोई, नेशनल फ्लावर है साइक्लामन पर्सिकम, पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, किस देश की एक पहल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, USA। महिलाओं के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल शुरू की गई थी। हाल में भारत के रिलायंस फाउंडेशन ने US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और WGDP के साथ साझेदारी की है। डिजिटल लिंग भेद और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रिलायंस फाउंडेशन द्वारा WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज शुरू किया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में पुनः उद्धार हुआ है। उल्लेखनीय है कि लगभग 400 वर्षों की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में पुनः सक्रिय हुआ था और 2010 के बाद वर्ष 2014 और वर्ष 2016 में भी ज्वालामुखी में उद्धार हो चुका है। माउंट सिनाबंग इंडोनेशिया में 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। चलिए आपको इंडोनेशिया के बारे में बात हैं, सॉरी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता का निधन हुआ, उनका क्या नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजीव त्यागी। कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव त्यागी का हाल ही में 53 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वहीं वे उत्तर प्रदेश इकाई के लिए पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता के रूप में भी कार्य कर रहे थे। उन्हें टेलीविज़न की बहसों में उनके उग्र भाषणों के लिए जाना जाता था। चलिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की सहायता से संयुक्त अरब अमीरात और किस देश के बीच 13 अगस्त 2020 को ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसराइल। दोनों देशों में रिश्तों को सामान्य करने के लिए सहमति बन गई है। इस समझौते के तहत इसराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में अपनी दावेदारी छोड़ने को तैयार हो गया है। वहीं UAE इसराइल से पूर्व राजनयिक संबंध बहाल करने का राजी हो गया। ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बन गया है। चलिए आपको UAE के बारे में आते हैं, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में बात करें। UAE की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है UAE दिरहम। नेशनल डे 2 दिसंबर। हाइस्ट माउंटेन जेबेल एबिर। नेशनल गेम की बात करें तो कैमल रेसिंग। एनिमल अरेबियन ओरिक्स। बर्ड फैल्कॉन। फ्लावर ट्रिबुलिस। पार्लियामेंट नेम है फेडरल नेशनल काउंसिल। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में UAE। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस वरिष्ठ वकील को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत भूषण जी को। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दे दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले की सुनवाई में पूरी हो गई और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना है। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रशांत भूषण जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस मलयालम कवि गीतकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाक काकरा रमन कुट्टी। मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रमन कुट्टी का निधन हो गया है। इन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे हैं। उनके कुछ हिट गीतों में श्याम मेघमेनी यानी कि आदिपन, सिंदूरी तिलकुमायोई, कोयलानिन थेड़ी, नारिंजो मेले, मनथ हृदया, वाहिनी लीन की कोई शामिल है। इन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकेडमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे चुनक्करा रमन कुट्टी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सऊदी अरब ने किस देश के लिए अपने ऋण और तेल की आपूर्ति को समाप्त कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दोस्ती खत्म हो गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान।
सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दशकों पुराने रिश्ते तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सऊदी ने पाकिस्तान को कर्ज और तेल की आपूर्ति रोकने की आधिकारिक पुष्टि की है। वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,482 करोड़ रुपये कर्ज लौटाने को भी कहा है। सऊदी ने पाकिस्तान को 2018 में 6.2 अरब डॉलर का कर्ज दिया था। इसमें से 3 अरब डॉलर पेट्रोलियम पदार्थ लेने व उसके भंडारण के लिए दिया गया था। चलिए आपको सऊदी अरब के बारे में बताते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद, किंग ऑफ सऊदी अरब ये सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सईद, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रियाल। नेशनल डे 23 सितंबर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जो कि सऊदी अरब में ही है। नेशनल गेम फुटबॉल। एनिमल ए कैमल, बर्ड ए फेलकॉन, फ्लावर ए जैस्मिन। पार्लियामेंट नेम है मजलिस अल सूरा। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में सऊदी अरबिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दलाई लामा किस महीने में आवर वल्ली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन करेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवंबर 2020। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांस ऑल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आवर वनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वाले से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के लिए अधिकार पर जोर देने की अपील की है। यह उनके बच्चों के लिए समर्पित 2019 के प्रकाशन द सीड ऑफ कंपैशन लेसन फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा, उनकी आत्मकथा और दर्शन पर लिखी एक पुस्तक है। चलिए आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अपना देश इंडिया। भारत ने कोविड-19 के प्रकोप का मुकाबला करने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि दी है। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को में सुधार करना है। भारत ने कैरिकॉम के तहत कैरिबियाई समुदाय को इस सहायता राशि की पेशकश की है। कैरिबियन क्षेत्र में 20 विकासशील देशों का एक समूह है। कैरिकॉम का गठन 1973 में किया गया था। इसके 15 सदस्य हैं और कैरिकॉम सिंगल मार्केट का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों और अधिक और बेहतर अवसर प्रदान करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कौन सा मंत्रालय फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यानी खेल मंत्रालय। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। चलिए आज 15 अगस्त, चलिए आपको पहले इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है फिट इंडिया फ्रीडम, जो कि 15 अगस्त यानी कि आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। चलिए 15 अगस्त के इतिहास में हुए घटनाओं के बारे में बताते हैं। 15 अगस्त 1854 में ईस्ट इंडिया रेलवे ने कलकत्ता से हुगले के बीच 37 किलोमीटर की दूरी में पहली यात्री ट्रेन चलाई थी, लेकिन इसका आधिकारिक तौर पर उद्घाटन 1885 में किया गया। 1872 में अध्यात्म योग शिक्षा में योगदान देने वाले और ब्रिटिश राज से भारत को आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले अरबिंदो का जन्म हुआ। 1947 में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 1947 में रक्षा वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र स्थापित किया गया। 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत को आज़ादी मिली, इससे सबसे बड़ा योगदान महात्मा गांधी जी का था। 1962 में पूर्वी जर्मन श्रमिकों ने बर्लिन की दीवार का निर्माण शुरू किया। 1972 में पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी पिन कोड लागू किया गया। 1990 में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था। 2009 में जर्मनी के बर्लिन में एथलेटिक्स ओपन का 12वां विश्व चैंपियनशिप शुरू किया गया था। चलिए 15 अगस्त के राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस जो कि भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त के उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु की बात करें तो 2004 में अमर सिंह चौधरी राजनीतिज्ञ। 15 अगस्त के जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो 1938 सुरेश तरैया कमेंटेटर, 1938 प्राण कुमार शर्मा कार्टूनिस्ट और 1925 माइक कॉर्नर्स अभिनेता जो कि कैलिफोर्निया थे। बात करें आज के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन की तरफ, ASALV का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपेन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।